अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो दिस इज़ संडा सीम जुल्फ़िकार एंड टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व द पेपर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मेन नाजमाबाद कराची एंड दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री पेपर एंड देयर आर 43 MCQs। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू द करेक्ट आंसर्स ऑफ ऑल द MCQs। सो द फर्स्ट वन इज़ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 7A, 6A आर ऑल्सो कॉल्ड डैश, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड चैल्कोजेंस। हाइड्राइड्स ऑफ अल्कली ग्रुप आर डैश इन नेचर, सो दे आर एक्चुअली बेसिक इन नेचर। थर्ड, कैल्शियम व्हेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन फॉर्म नॉर्मल ऑक्साइड्स। फोर्थ, लिथियम हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज टू इट्स डायगोनल नेबर डैश इन बेरिलियम फैमिली। सो द डायगोनल ऑफ बेरिलियम लिथियम हैज़ मैनी सिमिलैरिटीज टू इट्स डायगोनल नेबर, तो लिथियम का जो डायगोनल होता है वो मैग्नीशियम होता है। Li+ कपल हैज़ एक्सेप्शनली हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, देन सिक्स है, नाइट्रिक एसिड इजली ट्रांसपोर्टेड इन अ कंटेनर मेड ऑफ डैश मेड ऑफ एल्यूमिनियम बिकॉज नाइट्रिक एसिड डजेंट रिएक्ट विद एल्यूमिनियम। सेवन्थ है, ए इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2A वाइल बी बिलोंग्स टू 6A। व्हेन ए रिएक्ट्स विद बी देन फॉर्म्स क्या बनेगा, ए बी बनेगा। एट्थ है, इन थर्माइट प्रोसेस एल्यूमिनियम एक्ट्स एज डैश, एल्यूमिनियम एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट इन थर्माइट प्रोसेस। नाइन्थ है, दिस एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो ब्रोमीन लिक्विड होता है इन चारों में से। टेंथ है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कॉपर +1 इज डैश, तो कॉपर +1 की हो जाएगी 4s0 3d10। 11th है, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कंपाउंड इज, तो ये ऑक्सीडेशन नंबर सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर से मुराद ये कि प्लैटिनम को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल रहे हैं, तो 2 कुल रेंज दे रहा है और 2 यहाँ पर अमोनिया देगा, तो 4 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ट्वेल्व है, ओनली वन ऑफ दिस कंपाउंड गिवन बिलो ओबेस मार्कोनिकोफ रूल ऑन रिएक्शन विद HCl, तो जो आसमेट्रिकल अल्कीन होगा वो मार्कोनिकोफ रूल को फॉलो करेगा और आसमेट्रिकल इन अल्कीन इन सब में से ये पहला वाला ही, दैट इज प्रोपीन। 13 है, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग अ डबल बॉन्ड आर कॉल्ड, तो इनको हम ओलेफिन्स कहते हैं। 14 है, द सब्सटेंस विच इंक्रीज द इलास्टिसिटी ऑफ प्लास्टिक इज कॉल्ड डैश, तो जो इलास्टिसिटी बढ़ाती है प्लास्टिक की तो उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड प्लास्टिसाइजर। 15th है, इन इथाइन ईच कार्बन इज डैश हाइब्रिडाइज्ड, इथाइन में दोनों कार्बन जो है वो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। 16 है, व्हेन सोडियम बेंजोएट इज हीटेड विद कास्टिक सोडा इट फॉर्म्स डैश, तो इट फॉर्म्स बेंजीन। 17th है, एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विद सूटी फ्लेम बिकॉज डैश बिकॉज दे हैव हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन। 18 है, दिस गैस इज यूज फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट, तो इथीन इज यूज फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। 19th है, फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। 20th, दिस इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो सक्रोज इसमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है हमारे पास। 21 है, दिस विल गिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन ऑन ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन, उसके ऑप्शंस जो है वो नेक्स्ट पेज पर आपको मिलेंगे। तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है, आप जानते हैं कि ये हमारे पास जो कीटोन्स होते हैं वो हमारे पास पॉजिटिव आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, मतलब एसीटोन। 22 है, द ह्यूमन बॉडी स्टोर पार्ट ऑफ ग्लूकोज इन लीवर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। 23 है, द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सीजियम है बिकॉज ऑफ लो वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन पोटेंशियल। 25 है, विच एलिमेंट फॉर्म्स एन आयन विद चार्ज +3, एल्यूमिनियम बना सकता है +3 चार्ज। 26 है, नेल्सन सेल इज़ यूज टू प्रिपेयर, नेल्सन सेल से हम क्या बनाते हैं, क्लोरीन गैस बनाते हैं।
27th है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई? लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई किसका होगा इनमें से? तो देखें, शायद सबके सेम पीरियड से ही हैं, सभी थर्ड पीरियड से हैं. ये भी थर्ड पीरियड से, ये भी थर्ड पीरियड से, सारे थर्ड पीरियड से हैं. और पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज़ कम होता है, तो सोडियम का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा. इसका मतलब लार्जेस्ट आयनिक एटॉमिक रेडियस इसी का होगा. 28th है द हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो इसका कार्बोनिल में सी डबल बॉन्ड ओ जो ग्रुप होता है हमारे पास, इसमें कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है. 29th है दिस गैस अटैक्स स्किन एंड यूज इन वर्ल्ड वॉर 1. ये थी मस्टर्ड गैस. 30th द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन कंपाउंड इज साइन ऑफ डैश. तो इट इज़ द साइन ऑफ अनसेचुरेशन. नेक्स्ट इज टेफलॉन इज अ पॉलीमर ऑफ डैश. तो टेट्राफ्लोरोइथेन का पॉलीमर होता है टेफलॉन, जो कि एक प्लास्टिक है. 32 है बेंजीन फॉर्म्स डैश. बेंजीन में हमारे पास 12 सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड हमारे पास होते हैं. ठीक है, 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं. बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड तो होते ही हैं, 12 सिग्मा एंड 6 पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड 6 तो नहीं होते, पाई बॉन्ड 3 होते हैं. तो ये चारों ही ऑप्शंस यहाँ पर हमारे पास. गलत हो रहे हैं वैसे, 12 सिग्मा तो होते हैं, चलें इस ऑप्शन को लगा लेते हैं, साथ साथ 3 पाई बॉन्ड भी होते हैं. 33 मिथेनॉल कैन बी कन्वर्ट इन टू मिथेनॉल बाय डैश. मतलब अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो आपको डिहाइड्रोजनेशन करनी पड़ेगी, हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा. 34 इट इज़ नॉट अ न्यूक्लियोफाइल. इनमें से कौन सा न्यूक्लियोफाइल नहीं है? BF3, चूँकि एक इलेक्ट्रोफाइल है. ठीक है, तो BF3 हमारे पास जो है वो एक न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंट है. 35 है द हाइड्रोफ्लोरिक एसिड इज यूज टू मेक डिजाइन ऑन ग्लास सरफेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को एचिंग कहते हैं. चैप्टर 11 के MCQs है ये. 36 है द पॉलीमर नेम्ड बेकलाइट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड एंड फिनॉल. इनका दोनों का कंडेंसेशन पॉलीमर होता है बेकलाइट. 37 है EDTA इज दिस टाइप ऑफ लिगेंड. EDTA जो है वो हेक्साडेंटेट लिगेंड होता है. 38 है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स हैव सेम इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. तो सेम ग्रुप के होंगे, तो सेम ग्रुप हमें यहाँ पर सोडियम और रुबिडियम दिख रहा है, जिनके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होंगे. 39 एल्कली मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन. इट इज़ सपोर्टेड बाय देयर लो आयनाइजेशन एनर्जी एंड लो आयनाइजेशन एनर्जी के अलावा इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है? हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. इसकी वजह से क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी जो है वो रखते हैं अल्कली मेटल्स. ठीक है, फोर्टी है गैल्वेनाइज आयरन इज यू प्रोटेक्टेड अगेंस्ट रस्टिंग बाय थिन लेयर ऑफ जिंक से बनता है गैल्वेनाइज आयरन. 41 है दिस प्रॉपर्टी ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप. तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो डाउन द ग्रुप, सॉरी इंक्रीज कौन सी होती है बतानी है ना, तो डेंसिटी भी डिक्रीज हो रही होती है. आयनाइजेशन प्रोडक्शन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सिर्फ जो है वो इंक्रीज हो रही होती है. 42 है इन फाइलिंग सोल्यूशन द टेस्ट एंड प्रोडक्ट इज डैश. तो एंड प्रोडक्ट आपको जो है वो रेडिश ब्राउन PPT मिलती है या ऑरेंज रेड PPT. क्यूपरस सल्फाइड की, क्यूपरस ऑक्साइड की जो प्रेसिपिटेट्स होते हैं वो रेड PPT ही होते हैं. 43 है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी हाई एक्सेप्ट. तो बहुत हाई होती है मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सिवाय इसके. तो किसकी जो है वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई नहीं होती है? जिंक की नहीं होती है, ZN की. ठीक है, बिकॉज इट इज़ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, तो ये सारे हमारे पास MCQs हो गए. 43 गवर्नमेंट कॉलेज फॉरमैन कराची के सेकेंड ईयर के. ठीक है, तो PDF जो है उसके डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा. इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.